नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, HAL ने भारतीय वायुसेना को तेजस MK-1A की समय पर डिलीवरी की पुष्टि की है। जी हां दोस्तों, भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD CB अनंत कृष्णन ने पुष्टि की है कि पहला तेजस MK-1A लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जाएगा। अगले वर्ष फरवरी में निर्धारित है। दोस्तों, तेजस MK-1A कार्यक्रम की प्रगति को रेखांकित करते हुए HAL ने मार्च 2024 तक कम से कम 2 नवनिर्मित तेजस MK-1 विमानों को भारतीय वायुसेना को हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर करने की योजना बनाई है। दोस्तों, तेजस MK-1A हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस का एक उन्नत संस्करण है जो भारत के लिए एक प्रमाण है स्वदेशी रक्षा क्षमता और विमान में तकनीकी प्रगति। LCA MK-1 कार्यक्रम को भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा 2021 में 47,000 करोड़ रुपए के मूल्य पर अनुबंध किया गया था। दोस्तों, तेजस MK-1 कई अपग्रेड से लैस होगा जो इसकी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाएगा। इन अपग्रेड में एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचार रेडार, एक अद्यतन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट, एक परिदृश्य सीमा मिसाइल प्रणाली शामिल है। इन उन्नत प्रणालियों के शामिल होने से तेजस MK-1A उच्च खतरे वाले वायु वातावरण में प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम हो जाएगा। दोस्तों, जिसमें आधुनिक वायु चुनौतियों का मुकाबला करने की भारत की क्षमता बढ़ जाएगी। दोस्तों, HAL द्वारा उजागर की गई महत्वपूर्ण प्रगति में से एक तेजस MK-1 की बढ़ी हुई स्टैंड ऑफ रेंज से हथियार दागने की क्षमता है। इस बढ़ी हुई रेंज से युद्ध परिदृश्यों में लैंडस्केप में रणनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, जिससे विमान सुरक्षित दूरी से लक्ष्य पर हमला कर सकेगा। स्वदेशी हथियारों का समावेश रक्षा विनिर्माण और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर की दिशा में भारत के अभियान को रेखांकित करता है। दोस्तों, वर्तमान में सुलूर में स्थित 2 इंडियन एयरफोर्स स्क्वाडन, 45 स्क्वाडन और 18 स्क्वाडन तेजस विमान का संचालन कर रहे हैं। तेजस MK-1A की समय पर डिलीवरी के साथ अधिक इंडियन एयरफोर्स स्क्वाडनों में एक इन उन्नत लड़ाकू जेट को शामिल करने की उम्मीद है। तेजस बेड़े का यह विस्तार भारत की हवाई रक्षा क्षमताओं को और बढ़ाएगा और इसकी वायुसेना के आधुनिकीकरण में योगदान देगा। दोस्तों, तेजस MK-1 फाइटर जेट आपको पता है तेजस फाइटर जेट से बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। तेजस MK-1A की तुलना में तेजस MK-1A लड़ाकू योद्धा होगा क्योंकि दोस्तों इसके रडार में परिवर्तन किया जाएगा, इसको उत्तम रडार से सुसज्जित किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनिक सूट नए जमाने का उपयोग किया जाएगा और दोस्तों इसको ऐसे युद्ध स्थितियों में लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा जैसी युद्ध स्थितियों में स्टेल्थ विमान लड़ सके। और इसी की तरह तेजस विमान छोटा होने के कारण दोस्तों इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है, इसलिए दोस्तों ये किसी भी युद्ध चुनौतियों में आराम से लड़ पाएगा और दुश्मन को पहचानने में सक्षम रहेगा। और दोस्तों, तेजस में जो हथियार उपयोग किए जाएंगे, क्योंकि अपने घर का विमान है, इसमें कोई यह नहीं कह सकता कि आपको इस हथियार का उपयोग कर सकते हैं या इसका नहीं, और भारत को किसी भी देश से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों इसमें ब्रह्मोस जो तेजस के लिए 1.5 टन की बनाई जा रही है उसका उपयोग किया जाएगा। और भी दोस्तों इसमें विदेशी हथियार भी लगाए जाए, जैसे BMD मिसाइलों का उपयोग किया जा सकता है। मतलब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि तेजस MK-1 जैसे फाइटर जेट चाइना भी बना रहा है अपना फाइटर जेट, जो उसने JF-17 पाकिस्तान को बेचा है। और दोस्तों पूरी दुनिया भी उपयोग करती है, पर दोस्तों हल्के लड़ाकू विमानों को इतना भरपूर तरीके से एडवांस नहीं किया जाता, पर भारत का ये अपना पहला जेट है, इसलिए दोस्तों इसको पूरा एडवांस बनाया जा रहा है ताकि किसी भी युद्ध स्थितियों में लड़ सके। मतलब केवल ट्रेनिंग के लिए उपयोग किया जा सके ऐसा विमान नहीं है। जो दोस्तों तेजस MK-1A है उसकी सारी टेक्नोलॉजी उपयोग बाद में जब तेजस MK-1 को अपग्रेड किया जाएगा तब इसमें भी सारी उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा और उन सभी को भी तेजस MK-1 बनाया जाएगा जो अभी हम उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों तेजस MK-1 में इसकी स्टैंड ऑफ बढ़ी हुई रेंज से यह फायदा होगा कि यह विमान सुरक्षित रहकर दुश्मन पर हथियार दागने में सुरक्षित रहेगा। मतलब दोस्तों इस विमान को इस प्रकार से बनाया जाएगा कि युद्ध की स्थिति में यह अपने आप को सुरक्षित रख पाए। दोस्तों जब विमान अपने आप को ही सुरक्षित नहीं रख पाएगा तो वह दुश्मन पर हथियार कैसे दाग सकेगा। इसलिए दोस्तों इसकी स्टैंड ऑफ रेंज को बढ़ाया गया है ताकि यह ज़्यादा समय तक खड़ा रहकर आराम से दुश्मन पर हथियार दाग सके और इसकी सुरक्षा बनी रहे। इस प्रकार से तेजस MK-1A फाइटर जेट को एडवांस बनाया जा रहा है। तेजस MK-1A में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का उपयोग किया जाएगा। मतलब दोस्तों ये बहुत दूरी से ही
आंखों से नहीं दिखाई दे वहां से भी ये मिसाइल दाग सकेगा। और दोस्तों इसमें सारी एडवांस सिस्टम का उपयोग करने से ये किसी भी चुनौती में युद्ध लड़ सकता है। मतलब दोस्तों ये आने वाली आधुनिक हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होगा। ऐसा नहीं है कि ये 4.5 जनरेशन जो पहले जो रशियन विमान थे उसी की तरह बनाया गया है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जिस प्रकार से 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का समय आ रहा है, ऐसे वायुमंडल में भी लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है और ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा कि आधुनिक सारे युद्ध जिस प्रकार से लड़े जाए उन युद्ध में लड़ने के लिए सक्षम रहेगा और उसके बाद ये दुश्मन पर हावी भी होगा सक्षम रहने के बावजूद। इसलिए दोस्तों तेजस MK-1A फाइटर जेट हमारे देश का गर्व है। अभी केवल तेजस MK-1A के ट्रेनर विमान बनाए जा रहे हैं दोस्तों। 2024 में तेजस MK-1A का लड़ाकू विमान बनाकर वायुसेना को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद दोस्तों चाइना और पाकिस्तान को भारत की ताकत का अंदाज़ा होगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो विमान लंबी दूरी के होते हैं और जो जिस प्रकार से Sukhoi-30 विमान है या राफाल विमान है, मीडियम वेट विमान, एमका विमान, इनको दोस्तों केवल युद्ध के समय ही उपयोग किया जाता है या बड़े युद्ध के समय। बाकी दोस्तों जिस प्रकार से ट्रेनिंग हो या किसी में युद्धाभ्यास करना हो या बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करनी हो तो तेजस MK-1A जैसे फाइटर जेट का उपयोग ही किया जाता है। क्यों हमने दोस्तों MiG-21 इतने पुराने होने के बावजूद भी हमने पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में उपयोग किया था, और क्यों हम दोस्तों हमने Mirage-2000 फाइटर जेट का उपयोग किया था, क्योंकि दोस्तों ये हल्के लड़ाकू विमान है, राडार में बहुत कम नज़र आते हैं और ये फटाक से हमला करके वापस आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों अब की बार जब भी पाकिस्तान में हमला किया जाएगा तेजस MK-1A फाइटर जेट का उपयोग किया जाएगा। आपकी क्या राय है? आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।